Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you all are doing very well in your life and welcome back to News of Today channel. And आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा small cap category funds के बारे में और उसी के साथ आपको comparison दूंगा तीन small cap category mutual fund as like HDFC, SBI और Reliance कि कौन सा बेहतर रहेगा अगर आप एक investment को start करते हैं. तो आप सभी को request करूंगा कि video को please पूरा देखना और channel को जरूर subscribe कर लेना for more updates related to mutual funds and your ULIP policies. अगर बात करता हूँ as according to comparison of best mutual fund in small cap category, तो पहला रहेगा HDFC small cap fund, second रहेगा SBI small cap fund and third रहेगा Reliance small cap fund जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों ही फंड जो रहेंगे वो ओपन एंडेड कैटेगरी के रहेंगे, कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी पैसा निकाल सकते हो. अगर हम कंपेयर करते हैं एज अकॉर्डिंग टू स्कीम साइज जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 7543 करोड़ रुपए का रहेगा एचडीएफसी का. अगर बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू स्कीम साइज ऑफ एसबीआई 1891 करोड़ का रहेगा. स्कीम साइज अगर बात करता हूं रिलायंस की वो सबसे ज्यादा रहेगी 8063 करोड़ रुपए की. यहां पर अगर बात करता हूं कि एग्जैक्टली मुझे पैसा कितना पे करना पड़ेगा एज एन चार्जेस या अगर मैं अपना पैसा बाहर निकालता हूं तो 0.86% रहेगा एक्सपेंस रेशियो एचडीएफसी का. अगर बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो एसबीआई की तो 1.19% का रहेगा. उसी के साथ अगर बात करते हैं रिलायंस स्मॉल कैप फंड की तो 1.14% का रहेगा एट प्रेजेंटली रिलायंस का एक्सपेंस रेशियो. अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए तो यहां पर एचडीएफसी के अंदर आपसे बहुत कम एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है एज कंपेयर टू कंपैरिजन. यहां पर अगर बात करता हूं तीनों ही प्लान के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे. यहां पर तीनों ही प्लान जो वर्क कर रहे हैं वो ग्रोथ के लिए ही वर्क कर रहे हैं. अगर बात करते हैं रिटर्न्स के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, एक साल का रिटर्न जो रहेगा -3.99% और तीन साल का रिटर्न रहेगा एचडीएफसी कंपनी का 20.15% के हिसाब से. अगर हम बात करते हैं एसबीआई के मुताबिक तो -9.66% रहेगा और एक साल का और तीन साल का रहेगा +17.68% जो आप देख सकते हैं. अगर बात करता हूं रिलायंस स्मॉल कैप फंड की -10.59% और उसी के साथ अगर बात करता हूं तीन साल की तो 17.78% का कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट कंपनी आपको दे रही है अगर आप तीन साल से अब एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं. इसीलिए ही मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक इन्वेस्टमेंट को अगर आप चला रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म में चलाइए जिससे आपको ज्यादा रिटर्न रहेगा और उसी के साथ रिस्क जो रहेगा वो कम रहेगा. अगर बात करता हूं रिस्क के मुताबिक तो मॉडरेटली हाई रहेगा तीनों ही स्कीम्स के अंदर जो आप देख सकते हो एग्जैक्टली. अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू अब मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट, मिनिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट एचडीएफसी के अंदर 500 रुपए का है. लमसम करना चाहते हो 5000 रुपए भी कर सकते हो, एसबीआई के अंदर भी 500 रुपए रहेगा और लमसम अगर आप करना चाहें तो वो भी आपका अवेलेबल रहेगा. यहां पर अगर बात करता हूं एसआईपी के हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज आपको रिलायंस कंपनी दे रही है जो एक छोटे इन्वेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता है एसआईपी मोड पर. यहां अगर बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू सेक्टर एलोकेशन कि कौन कौन से कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और कौन कौन से सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया जा रहा है एट प्रेजेंटली, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग सर्विसेज में आपका पैसा जाएगा, इंजीनियरिंग में पैसा जाएगा, केमिकल इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. यहां अगर बात करता हूं एसबीआई के मुताबिक तो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल बहुत सेम कंपनीज रहती हैं बट थोड़ा सा पोर्टफोलियो डिफरेंट रहता है. अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू अब रिलायंस स्मॉल कैप फंड के मुताबिक यहां पर भी एफएमसीजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स में जा रहा है. कुछ कंपनीज के नाम भी आपको बताना चाहूंगा जो एट प्रेजेंटली रहेंगी इन प्लान्स के अंदर. कंपनीज के हिसाब से अगर बात करता हूं औरोबिंदो, एनआईटी टेक्नोलॉजी, अगर बात करता हूं एसबीआई के मुताबिक जेके सीमेंट्स, एचडीएफसी बैंक, आपका केवल किरण, अगर बात कर रहा हूं रिलायंस के मुताबिक तो एक्सिस बैंक, दीपक, विजय बैंक एंड एचडीएफसी बैंक. सबसे ज्यादा बड़ा कंपैरिजन यहां पर किया जा रहा है एज अकॉर्डिंग टू स्कीम साइज. अगर हम देखते हैं तो स्कीम साइज के मुताबिक विनर रहता है एट प्रेजेंट आपका रिलायंस स्मॉल कैप फंड जिसका स्कीम साइज 8000
63 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशो के मुताबिक अगर देखता हूं तो विनर रहता है आपका एट प्रेजेंटली 0.86% के एक्सपेंस रेशो के हिसाब से आपका HDFC स्मॉल कैप फंड। अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स, तो रिटर्न्स के मुताबिक भी अगर आप जाते हो 3 साल की परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए, तो उस केस में भी आपका जो विनर रहता है HDFC स्मॉल कैप फंड। मैं इस कंपनी की बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं या कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं, जो चीज आपको दिख रहा है वो हर चीज स्टैट्स के मुताबिक है, इसीलिए ही मैं आप सभी को बता रहा हूं। तीनों ही कंपनी में मॉडरेटली हाई रिस्क है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करोगे 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन में, तो उस केस में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और उसी के साथ ही आपको रिटर्न भी आएंगे। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो 3 साल के लिए, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उस केस में आप कंसीडर कर सकते हो इन तीनों ही फंड्स को। पहले आप अपने रिक्वायरमेंट और अपने नीड्स और रिस्क एपेटाइट को देखो, उसके बाद आप कंसीडर करो HDFC SBI और रिलायंस को। आफ्टर कंपैरिजन फ्रॉम योर एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट यू विल कंसीडर एनी ऑफ द प्लान। डेफिनेटली दिस प्लान विल गिव यू अ हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। अगर तो जैसे आपने देखा वीडियो में कंपैरिजन, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने रिक्वायरमेंट, नीड्स और रिस्क एपेटाइट को समझते हुए ही एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा, इनकेस अगर मार्केट घट रहा है तो उस केस में आपको नेगेटिव रिटर्न भी प्रोवाइड करेगा, जैसे आपने वीडियो में देखा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा 1 साल के लिए कभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट मत करना। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, इन दैट केस ओनली आई रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्मॉल कैप कैटेगरी। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर यहां तक वीडियो देख ही लिया है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट पॉलिसीज। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।